हाय गाइस, फिर से आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने पोको फोन के ऊपर MIUI 14 के विजेट साथ में दोस्तों उसके एनलार्ज यानी कि सुपर फोल्डर को कैसे भाई अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे, वो भी रूट के बिना। तो दोस्तों पहले सिर्फ ये रेडमी एंड मी फोन के अंदर ही वर्क करता था, पर अभी ये पोको फोन के अंदर भी वर्क कर रहा है। तो इसको करने के लिए दोस्तों आपको ना तो फोन को रूट करना है, ना तो आपको बूट लोडर अनलॉक करना है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं अभी यूज कर रहा हूँ भाई MIUI 13, वो भी मेरे पोको M2 प्रो फोन के ऊपर। तो आपके पास बस MIUI 13 का अपडेट होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। तो दोस्तों पहले आपको यहाँ पर सेटिंग ओपन करना है, अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन के अंदर दोस्तों बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन होगा, उस पर जाना है। मोबाइल डिवाइस को आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर लेना है। अभी पहली बार ये थोड़ा सा लोड करेगा, तो लोडिंग हो जाने के बाद अभी आपको सब अनचेक कर देना है। अदर ऐप एंड डेटा है, उस पर आपको टैप करना है, ये एक्सपांड हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा पोको लॉन्चर, उसको दोस्तों आपको ओके करना है और यहाँ से आपको इसको बैकअप बना लेना है। अभी दोस्तों हमारा बैकअप जो है वो फिनिश हो गया है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जाना है फाइल मैनेजर के अंदर और डिस्क्रिप्शन में आपको एक फाइल का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आपने डाउनलोड करके यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर लेना है। ये दोस्तों जिप फाइल है, तो उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। तो एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद अभी दोस्तों आपको यहाँ पर 3 APK फाइल मिलेगी, एक हमारा बैकअप फाइल मिलेगा। तो APK फाइल को 1x1 आपको इंस्टॉल कर देना है। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद अभी जो लास्ट वाला फाइल है उसको यहाँ से आपने करना है कॉपी, और आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में जाना है, MIUI फोल्डर में जाना है, बैकअप फोल्डर के अंदर जाना है, ओल्ड बैकअप में जाना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक फोल्डर मिलेगा, उससे बस आपको इसको रिप्लेस कर देना है। यहाँ से आपको ओके कर देना है, तो ये फाइल हमारा रिप्लेस हो जाएगा। बस दोस्तों आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, अभी आपको होम स्क्रीन पर आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको ओपन करना है सेटिंग। सेटिंग के अंदर दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर अबाउट फोन में, बैकअप एंड रिस्टोर, मोबाइल डिवाइस रिस्टोर, एंड यहाँ पर आपका पासवर्ड टाइप करके भाई रिस्टोर पर आपको जाना है। रिस्टोर पर दोस्तों आपको जो भी आपने बैकअप बनाया था वो मिलेगा, तो उसको बस यहाँ से आपको रिस्टोर कर देना है। अभी दोस्तों हमारा काम हो चुका है। अभी अगर आप यहाँ पर जाके चेक करेंगे भाई, तो ये लेटेस्ट वाले जितने भी विजेट्स हैं वो आपके फ़ोन के अंदर आ जाएंगे, और साथ में दोस्तों ये एनलार्ज फोल्डर है वो भी हमारे फ़ोन के अंदर अभी आ गया है। सभी विजेट्स आपके फ़ोन के अंदर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये पोको लॉन्चर है, पोको लॉन्चर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो कुछ ही विजेट्स इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो आपको विजेट चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ से विजेट सेक्शन में आप जा सकते हैं। इस तरीके से आपको टैप करके होल्ड करना है और यहाँ पर जितने भी विजेट्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पोको फोन के अंदर MIUI 14 के विजेट साथ में दोस्तों एनलार्ज फोल्डर यानी कि सुपर फोल्डर को भी इनेबल कर पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर ये ट्रिक वर्क कर रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।